हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं आपकी अक्टूबर 2022 की टैरो रीडिंग। इसमें हम चेक करने वाले हैं कि पूरा महीना अक्टूबर का आपका कैसा रहने वाला है, फ्रॉम लव एंड रिलेशनशिप्स टू करियर, एवरीथिंग हम इस रीडिंग में आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्वेरियस राशि से। देख लेते हैं एक्वेरियस का महीना कैसे रहने वाला है अक्टूबर का। ओके, देख लेते हैं अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है कुंभ राशि एक्वेरियस का। पहले हम जनरल एनर्जी चेक करेंगे, फिर करियर, आपका बिजनेस, फिर रिलेशनशिप्स, हेल्थ, और अगर कोई स्पिरिचुअल मैसेज है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है मेरे पास दी हैंग्ड मैन। जो हैंग्ड मैन होता है ये हमें बताता है स्टेबिलिटी के बारे में, ये हमें बताता है वेट के बारे में। ओके, तो आपको पेशेंस रखने को बोला जा रहा है अक्टूबर के महीने में। अभी देख लेते हैं करियर एंड रिलेशनशिप्स। करियर में सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या एनर्जी है कुंभ राशि की। तो करियर में क्या है एनर्जी कुंभ राशि की, प्लीज डिवाइन हेल्प अस। करियर के लिए मेरे पास कार्ड है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता है ये हमें बताता है फास्ट एक्शन मूवमेंट के बारे में करियर में। तो करियर में कुछ तेजी आ सकती है। आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से आपका काम बन नहीं रहा है, लगातार आप एफर्ट तो लगाते जा रहे हैं लेकिन वो जो आउटकम आपको मिलना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं, वो नहीं आ पा रहा है। ओके, तो नाइट ऑफ वॉन्ड वो एनर्जी है जो मुझे बताती है कि अब आपके काम बनने शुरू हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट देख लेते हैं रिलेशनशिप्स। कुंभ राशि की रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है अक्टूबर मंथ में। रिलेशनशिप के लिए मेरे पास है द मून कार्ड। तो जो मून का कार्ड होता है डियर एक्वेरियस, मेरे कुंभ राशि वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मून बताता है इमोशनल कंफ्यूजन। इस महीने किसी भी डिसीजन पे मत पहुंचना। ओके, कोई भी इमोशनल डिसीजन आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कि कुछ डिसएग्रीमेंट चल रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस महीने कुछ एक कॉन्क्रीट डिसीजन ना लें कि इनके साथ आपको रहना है नहीं रहना है, या फिर ये किस टाइप के इंसान है। ऐसा होता है ना, हम गुस्से में डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं कि ये तो मेरे साथ उतना अटैच्ड है ही नहीं, मैंने इसके लिए इतने एफर्ट्स लगाए, अपने इमोशंस इतने एक्सप्रेस किए, लेकिन ये इंसान जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, इसको शायद मुझसे उस हिसाब का उतना प्यार नहीं है। ये फीलिंग्स आपके दिमाग में आ सकती हैं और आप इमोशनली हर्ट हो सकते हैं। इन्हीं कंफ्यूजन में आप ऐसे वर्ड्स ना बोल पाए बोल जाएं जिनसे आप रिग्रेट करें लेटर ऑन, जो मुझे लग रहा है आप करेंगे, क्योंकि अक्टूबर के महीने में एनर्जीज कुछ ऐसी है ना कुंभ राशि वालों कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, अभी देख लेते हैं हेल्थ कैसी रहेगी आपकी अक्टूबर के महीने में। कुंभ राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी अक्टूबर के महीने में। हेल्थ में स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, तो स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बताता है आप काफी एफर्ट्स लगा रहे हैं ऑलरेडी, कुछ कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में पहले से थे और आप उनके लिए अब एफर्ट्स लगा रहे हैं। ये जो भी चीजें हैं, जो भी इश्यूज हैं, ये थोड़े मुझे लगता है लॉन्ग टर्म वाले ये हो सकते हैं। काफी टाइम से आपको हेल्थ में ये वाले इश्यूज हो सकता है रहे हों, और अब आप अपनी समझदारी से और डेडिकेशन से इनको धीरे धीरे आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व भी कर सकते हैं, देखिए स्ट्रेंथ कार्ड इज अ गुड कार्ड टू गेट,
ठीक है कुम, तो आई सी मोस्ट लाइकली अक्टूबर का महीना आपका न्यूट्रल है, अच्छा है, करियर के लिए खासा अच्छा है, बट कहीं ना कहीं विद द जनरल एनर्जी बीइंग द हैंगमैन, हैंगमैन की एनर्जी होने की वजह से कुंभ राशि वालों, आपको ये कहा जा रहा है कि इस महीने में थोड़ा मन में शांति धरें, थोड़ा धैर्य धरें, क्योंकि आपकी हेल्थ और इमोशन दोनों मुझे ऐसे स्पेस में दिख रहे हैं जो कहते हैं कि अभी रुक जाओ, शांति से आगे कदम बढ़ाना। ये वो महीना नहीं है जहाँ पे आप हेल्थ और अपने रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छी कुछ डेवलपमेंट आप नोटिस करेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस, कुछ ओरेकल मैसेजेस हमारे कुंभ राशि वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। जो नीचे गया वो हम नहीं उठाएंगे, और कार्ड आया है रिकवरी। आई होप आप कार्ड तो बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, रिकवरी का कार्ड आया है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में। तो रिकवरी का कार्ड तो ये कहता है कुंभ राशि वालों कि ये जो भी टेंशन है, मुझे लगता है मोस्ट लाइकली गॉसिप कुछ चल रही है, इसकी वजह से ना आप हर्ट हैं, इसी वजह से आपकी रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पीठ पीछे बहुत कुछ कहा जा रहा है। आपको पूरा आइडिया तो नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया है, और उस थोड़े बहुत आइडिया से जो ये आधी इन्फॉर्मेशन है उससे आप हर्ट फील कर रहे हो। तो मैं यही कहूंगी कि इन सभी बातों को पीछे छोड़ दीजिए, जिसने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसने क्यों ऐसा किया, आप सिर्फ अपने कार्मा पे ध्यान रखिए। रिकवरी का कार्ड कहता है, एंजेलिक मैसेज आपके लिए है, गाइडेंस है स्पिरिचुअल, कि इन सब चीज़ों को जाने दीजिए और आप में वो काबिलियत है कि आप खुद को हील कर सकें। इन छोटी छोटी बातों से आप दुख ना मनाएं, दुखी ना हो, जाने दें उसको इस महीने, ओके। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक।